छुट्टी वाला देना, तो इसलिए मोटर होम तो मेरा फैक्ट्री में ठीक होने के लिए कल जाएगा, मगर जो प्रॉब्लम्स उन्होंने ठीक करी हैं उनके अंदर से भी नई कुछ प्रॉब्लम जनरेट होगी, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैंने उनको कहा था कि जो स्टेयर्स है ना उसके अंदर ये ठीक से इन एंड आउट नहीं होती हैं, तो अनलेस मैं कुछ रॉन्ग गलत कर रहा हूँ, ये कल रात से ये बाहर ही आना बंद हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर कुछ लुब्रिकेंट वगैरह डाला, मगर उससे तो बल्कि काम स्मूथ होना चाहिए था, वो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए आज इसकी मैं सोच रहा हूँ पूरी पूरी थोरो टेस्टिंग करूँ, ताकि तब भी कल जब कल जाए तो मैं इनको डिटेल में बता सकूँ कि इसके अंदर क्या क्या भसूड़ियाँ आ गई। इसमें हेल्प करने के लिए विनय भाई, जो कि इस खूबसूरत शहर में रहते हैं, जहाँ पर ज़मीन एक डॉर में मिलती है अगर आप खरीद के अपना घर बनाना चाहें, तो वो आ रहे हैं और इसको थोड़ा सा चेक करना है, टेस्ट करना है। बाजू का शहर है बहुत खूबसूरत, वो जाना है। और उन्होंने एक बड़ा स्पेशल जुगाड़ बताया जो मेरे माइंड में नहीं आया, जिसके अंदर इक्विप्ड है, जिससे मोटर होम चलाने उतारने में बड़ी आसानी हो सकती है, क्योंकि हमारा मोटर होम जो है ना ऐसे पीछे को झुक सकता है। How disappointing. जबकि आप देख रहे हो ये स्टेप्स का बटन जो है ना वो ऑन पे है, कोच बैटरी भी ऑन है, सब कुछ ही ऑन है यहाँ पे, तो ये खुल जाना चाहिए था। इसको मैंने ऑफ ऑन करके भी ट्राई किया कि चलो पहले ऑफ कर दूँ फिर ऑन करूँ, पर ना कुछ नहीं होता। टेक्निकली ये जो है ना इग्निशन पे अंदर चली जाती है जब भी आप इसको ड्राइव मोड में डालो, तो इग्निशन भी एक तरीके से बंद ही है। गाड़ी लो, लॉक भी कर दी, अभी भी नहीं खुल रहा है शायद। हेलो विनय भाई, जो ये ऑटो रिट्रैक्ट मार जाए ना ये ड्राइव में, तो खुलनी चाहिए। ये कैसी ग्रीस डाली है भाई ने जो मेरी स्टेयर्स खराब कर दिया। मैंने उसको 7 पॉइंट लिख के दिए थे, 7 में से 5 में तो 3 तो बिल्कुल ही नहीं हुए हैं, और उन 2 जो उसने किए उन 2 में उसने गड़बड़ कर दी है, मतलब पुरानी प्रॉब्लम ठीक करके नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ, थोड़ा सा फोड़ी लेनी पड़ेगी आपको। अब जैसे हम चलते हैं ना इसमें, तो ये चीज जो है ना मैंने उनको कहा था कि ये जो डोर है ना ये ठीक से इस पोजीशन में लॉक नहीं होता, तो गाड़ी चलती नहीं आगे धाड़ में बचता है, तो उसने ये तो ठीक कर दिया, मगर ये चीज इतनी लूज कर दी है कि ये रैटल करती है। अब चलो ना तो पूरा बोर्ड नहीं हिलता, मगर ये जो चीज है ना ये हिलती है और ये कट 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 कट। बट फिलहाल सर आप कह रहे थे कि कुछ वो हम जुगाड़ कर सकते हैं ना कि इसको जो इसके स्टेबलाइजर है आगे स्टेबलाइजर आप कर सकते हैं और आपका पीछे वाला जो पोर्शन है वो नीचे हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे नीचे लेके जाना है ज्यादा, वी कैन यूज लाइक अ वुडन ब्लॉक्स। अच्छा हाँ, सो इट विल बी गिव यू लाइक मोर लाइक 6 इंच एक्स्ट्रा। ठीक है ठीक है, बेसिकली जो स्टेबलाइजर है ना उनको हम आगे वालों को डाउन करेंगे, जैसे जैसे स्टेबलाइजर डाउन आएंगे मोटर होम ऊपर को उठेगा, इधर से झुक जाएगा, और उसको कह रहे हैं और ऊंचाई देने के लिए नीचे आप चौड़े ऊंचे वुडन ब्लॉक्स लगा सकते हो, ताकि जब स्टेबलाइजर उस पर जोर डाले तो उनके पास और रूम हो इसको ऊपर उठाने का। ये आइडिया बढ़िया, ट्राई कर सकते हैं। पहले फिलहाल तो विदाउट ब्लॉक्स ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। तो स्टार्ट करना पड़ेगा या बिना स्टार्ट हुई होगा? नहीं, स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ताकि पावर मिल जाए इसको। 12 वोल्ट पे तो नहीं होगा। क्या अभी कई बार सेंसर पकड़ता नहीं है तो यहाँ डालनी पड़ती है क्या? ओके, इग्निशन ऑन, अब इसको पावर ऑन है। सो अगर मैं ये फ्रंट करूंगा ना, हां, कैन यू पुश दैट फ्रंट? जा रहा है नीचे, अरे स्टेबलाइजर जैक नीचे, तो इनको अगर हम इनके नीचे ब्लॉक लगा दें तो ये और भी ऊपर जा सकते, नीचे जा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब उठा देंगे इसको और ऊपर। अब देखते हैं क्या होता है। ये लग रहा है जमीन पे, ये उठा मोटर होम, उठ रहा है उठ रहा है। देखो सस्पेंशन कितनी उठ गई। अभी ना आपको इतने कैमरे में वाइड एंगल व्यू में समझ नहीं आ रहा होगा ये कितना झुक गया है, बट ये एक्चुअली काफी जो है ना इंक्लाइन आ गई है इसमें। आई थिंक मैक्सिमम हो गया, हाँ, तो ज्यादा तो नहीं हुआ, यानी इसके अंदर हमें और लगाने पड़ेंगे वुडन ब्लॉक। पहिए उड़ गए हैं पूरे, राइट? देखते हैं कितनी नीचे आया, काफी नीचे आ गए। वुडन ब्लॉक लगा के तो बिल्कुल ही वो ऊपर उड़ जाएगा। बस मैं देख रहा था निखिल भाई ने ना कटक करके ये खोल दिए थे, मैंने इनको बांधना तो सीख लिया, मुझे ये खोलने नहीं समझ आ रहे खोलने कैसे है रैचेट, क्योंकि थोड़े अलग किस्म के रैचेट है। इधर से उड़ गया मोटर, हाँ, पूरा हवा में।
यार इस पे कोई जोर तो नहीं पड़ेगा जो इतना हमने उसको उठा दिया है जैक्स पे? नहीं, ये डिजाइन है इतने वेट एंड ठीक है। फ्रंट जैकेट, फ्रंट जो जैक है वो आपका ऑलमोस्ट 9000 पाउंड इंडिविजुअल कैरी कर सकता है। अच्छा, यस, ओके ओके। और पीछे वाले जो रहते हैं जैक्स वो 12000 पाउंड से रहता है। अरे वाह, प्रेस्टीज। हां हां, और यहां पे ये जो स्लॉट है इसके नीचे। अच्छा, ओके। तो पहले उस तरह से खोलते हैं क्योंकि दो इस साइड से हमने खोल दी है, बाइक लोड़ा ना जाए। एक अब इस साइड से खोल लेते हैं इसको। ओके ओके, चलो जी। बाइक तो बढ़िया नीचे आ गई, और बेस्ट पार्ट इसको इतना नीचे करने का ये हुआ कि जो ऊपर भी थी ना, तो मेरा हाथ पूरा इस तक ब्रेक तक पहुंच चुका, पहुंच सका। तो एटलीस्ट अब मैं इस हाइट पे तो फिर मैं शायद स्टार्ट करके भी इसको ले जा पाऊँ। बट हाँ, अगर नीचे ब्लॉक लगा देंगे तो और 5 इंच नीचे आ जाएगा। अब ये जी जैक्स में हम ऑटो रिट्रैक्ट का बस एक बटन दबाना है, अपने आप जैक्स जो है रिट्रैक्ट मार जाएंगे, ये नीचे आ गया सेट हो जाएगी। पहले मोटर नीचे आएगा, फिर जैक्स ऊपर जाएंगे। मतलब कैमरे में पता नहीं आपको कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट बहुत फर्क आ जाता है ये जैक से। मतलब कम से कम भी 1.5 फुट ये नीचे आ गया था, तो इसको हम 2 फुट नीचे ला पाएंगे। उसके अलावा भी हमने एक जुगाड़ सोचा है। मिस्टर रंगत सिंह से मेरी स्पेशल बात हुई है कि उसको कैसे मोटराइज कर सकते हैं। वो बड़ी जबरदस्त इंजीनियरिंग वीडियो बनेगी अगर वो काम सक्सेसफुल हो गया तो। बट वील कम बैक टू दैट लेटर। ये तो विनय भाई कह रहे हैं मैं ही कर देता हूँ, थोड़ा जुगाड़ लगा के अगर बनती है बात। तो असल में ये स्प्रिंग से होल्ड होता है और वो अंदर चला गया। अब मैं ना इतना जोर लगाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा टूट ना जाए। एक तो बार आ गया। अरे फंस गया यार, चलो एक काम तो हुआ, बताओ। फंस गया पूरा, बढ़िया सही है। तो यानी अब ये इसको ऐसे करके तरीके से डालना है, ऐसे धक्का ना दूं ताकि अंदर ही ना चले जाए। ठीक है, ये आप देख लो ना जी, लाची ऐसे ये लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे करके थोड़ा उठा के डाल दूंगा, रादर देन इसको पुश करने से जैसे अंदर ही चले जाते। यस, ये मैग्नेटिक स्विच है, तो ये यहाँ से जब डिटेक्ट होता है ना, तब आपका क्विक स्टेप एक्टिवेट होता है। स्टेप्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ओके, राइट नाउ इट इज डिटेक्टिंग द डोर इज ओपन, इट शुड वर्क। या लेट्स ट्राई। नो, ये तो मैं जितने कलेश लेके आया था कम होने की वजह बढ़ गए। बैटरी लेवल ये प्लंजर पूरा एक्सटेंड है, और ये वाला प्लंजर आप देखोगे यहाँ पे नीचे है प्लंजर, वो पूरा सेल को ऐसे होल्ड कर रहा है। अच्छा, तो ये प्लंजर आपका पूरा क्लोज नहीं कर रहा है, उसकी वजह से वो ब्लैक टैंक वाला जो है वो सीवर लीकेज होके यहाँ पे इसमें आ रही है। ये प्लंजर ये इसको बंद करना चाहिए ना रस्ते को पूरा। वो कह रहा था मैंने इसको कल एडजस्ट करके इसको थोड़ा टाइट कर दिया आधा इंच और, मगर क्लियरली उससे काम हुआ नहीं। जो बाद में दोबारा आया मैंने खोला, फिर ये लीक कर गया। ये नहीं हुआ था, प्रेस किया तब जाके वो क्लोज हुआ। अच्छा, यस, अभी वो क्लोज हुआ, अभी लीक नहीं करेगा। तो वायर है क्विक रिलीज केबल, उसका अलाइनमेंट होता है। अच्छा, वो सही से अगर सही डायमेंशन पे वो कट नहीं किया है तो आपको क्लोज नहीं कर रहा है वहाँ पे, और उसकी वजह से वो वाल जो है थोड़ा ओपन रह रहा है, हल्का सा ओपन, उसमें से सीवरेज लीक हो रही है। तो अब मैंने वही कहा उसको, तो अब वो कहता है कि हम इसको बदलेंगे। क्या गाड़ी है भाई, मोटर होम लिया था ना, यहीं से सील लीक हो रही है। देखो कितना पानी आ रहा है इसमें, ये आपका टैंक से लीक हो रहा है। हाँ। तो वाटर रिजर्वायर है ना। हाँ। क्योंकि आपका वाटर कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन के बाद ये फिल होने के बाद उसको शट ऑफ नहीं कर रहा है। हाँ। ये उसने डीलरशिप को, मैंने उसी टाइम जब मैं नया मोटर होम खरीदा ना तब ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, मगर ये लीकेज मैंने डीलरशिप को बताई उस टाइम, मैंने परचेज ही करना था तो उनको था यार इनको निकालो यहाँ से ना, इनकी सेटिंग करके उन्होंने फटाफट को जिसको टेम्परेरी फिक्स किया और उसमें जुगाड़ू काम कर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सारी स्मेल थी वो इसी की वजह से, क्योंकि लीकेज हो रही थी इसके अंदर। तो उन्होंने सील तो बदली है इसकी, नाउ यू कैन सी इट इवनली, तो बाहर लीकेज नहीं हो रही और उतनी स्मेल नहीं है। विल डू लाइक अ टेस्ट, हम लोग उसको चला के देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा अभी भी लीक कर रही है। बड़े लोग आ रहे हैं। देखो भाई अब कितना टाइम यहाँ फंसे रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग पुराने भी मॉडल रूम लेके आते हैं। हाँ, जो अपनी सर्विस जिनको पार्ट कुछ कराने हो कहते हैं हम जेन्युइन कंपनी से करवाएंगे जो पैसे लगते हैं। चोरी इन्नू कितना जावे बंद, क्योंकि अब सर कह रहे हैं कि हमने मोटर होम टेस्टिंग के लिए लेके जाना, तो आपने बाइक उतार दिया तो इसको यहाँ मत छोड़ के जाओ, यू शुड पुट इट एट माय प्लेस। तो इसलिए अब उनके घर जा रहे हैं। और ये जी जो है ना काफी पुराना घर है, शहर का कहते हैं 1970s का है। अभी बड़ी रिसेंटली ये घर बिका है, बहुत सुंदर, और ये बिका है $280,000 का।
तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, और 15 दिन के अंदर ही मार्केट पे आने पे बिक गया था। तो इस शहर में आप ये लगा लो कि अगर सेंट्रल में आपने इस एरिया में रहना है, बड़ा पीसफुल है और प्राइसेस के रेट भी बहुत, मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। बट ऑब्वियसली स्मॉल सिटी कम्स विद इट्स ओन कॉम्प्रोमाइजेस। अपने सब्सक्राइबर्स का प्यार है जी, इतनी हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। वैसे ही इस स्टेट में जो है ना, हेलमेट पहनना इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, बट हमने वो थोड़ी फिल्मिंग भी करनी थी तो मैंने कहा पहन लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी भी हो जाएगी। बट अभी जो है ना, क्योंकि मेरे पास जैकेट नहीं है तो माइक में वो यहाँ लगाना पड़ा, पता नहीं हवा की वजह से क्या नॉइज रहेगी क्या नहीं रहेगी। बट मैं परमानेंट जो इंटीरियर इनसाइड माइक होता है ना वायर्ड, वो लगा ही लूंगा निखिल भाई से थोड़ा सा पूछ के वो कौन सा वाला गियर एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग पे ना थोड़ा सिस्टम और सेट करना पड़ता है। अब सर की गाड़ी हम यहाँ लगा देंगे ताकि हमारा स्पॉट जो है वो टेकन रहे, बस लाइट अंदर करनी है एंड वी विल गो आउट टेस्टिंग। अब जी मैंने जो टॉयलेट बोल है ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर लिया है, जो कि एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं, ताकि उसका पर्पज़ ये होता है कि जो नीचे से अगर कोई हवा आ रही है तो उसके बीच में वैसे भी पानी भी सील का काम करता है, वही पानी लीक हो रहा था। अब हम इसको चलाएंगे, टैंक भी ऑलमोस्ट सारे फुल हैं सिवाय फ्रेश टैंक के, ग्रे टैंक भी फुल है, ब्लैक के अंदर भी काफ़ी स्टफ है, तो इसलिए देखते हैं कि अब वो हिलने पे लीकेज तो नहीं करता। गाड़ी इनकी यहाँ खड़ी कर दी है, बाकी मोटर होम तो मोटर होम आते जा रहे हैं। तो देखो ये एक और आ गया बहुत बड़ा, ये जो है ना लगाएंगे यहाँ पे। अब पता नहीं किस किस की स्केड्यूल्ड सर्विस है और कौन कौन वॉक इन किया उसमें उम्मीद में आया, कल सुबह लगेंगे यहाँ पे लाइनें। बट देखो भाई अपना काम हो गया, बस सेंट्रा के बाद आज सर चला रहे हैं मोटर होम। अरे वाह, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा देखने चेक करने का और पैसेंजर सीट पे साइड पे बैठने का मौका मिल जाएगा और थोड़ा बहुत ड्रोन शोन उड़ाने का भी। बाथरूम का जो डोर है ना वो कटक करके बंद हो जाता है ओपन पोजीशन में, तो इसलिए वो भी चेक हो जाएगा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी हिलता क्या क्या है वो मैं देख लूंगा ताकि बंद कर सकूं, जैसे मुझे दिख गया कि उसकी वो हिल रही है स्टिक। ये जो है ना ये ऐसे ऐसे होता है, पता नहीं ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे हिलेगा लॉक जब गाड़ी यूं हिलती है, लॉक पोजीशन में तो फिट रहता है, यहाँ पे हिलता है। अब ये फॉरेस्ट सिटी जो है ना बड़ा छोटा शहर है, तो यहाँ से आधा घंटा दूर क्लियर लेक करके है, मेजोन सिटी भी है शायद एक, तो वहाँ तक हम जा रहे हैं तो वो शहर भी देख लेंगे, कहते सुंदर है बड़ा, झीले वीले भी हैं, वहाँ तक टेस्टिंग भी हो जाएगी सारी मोटर होम की और लीकेज का भी पता लग जाएगा कि भैया क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है किस हद तक है। ये दरवाजा भी मिसअलाइंड है, तो अभी रोक के ना इसको एक बार सॉलिड करके बंद करता हूँ दोबारा। अभी डाउनटाउन जा रहे हैं, ये हम लोग जा रहे हैं क्लियर लेक डाउनटाउन और लेक पे। ओके, ये लेक आप देख सकते हो बड़ा सुंदर है, यहाँ गाड़ी चला सकते हैं इसके रोड के साथ साथ। अच्छा, ये लेक के साथ ही रोड बनी हुई है। यस यस, यहाँ पे बाजू में ये शोर ड्राइव है, ओके, हम लोग पार्क भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब जी लेक साइड सिटीज़ जो होती है ना इनकी वाइब अलग ही होती है, मगर सबसे बड़ी चीज़ मेरे को एटलीस्ट पर्टिकुलरली यूएसए की ये लगती है, क्योंकि भैया न्यू वर्ल्ड का हिस्सा कहते हैं ना, 400-500 साल पुरानी ही है, तो इनकी सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी बनी हुई हैं। आप ये वाइट मार्कर देखें तो मोटर होम जो है ना फिट परफेक्ट इसके अंदर आ जाता है। अब पता नहीं यूरोप में ये कितना अप्लाई करेगा नहीं करेगा, मगर यूएसए में तो जिसको चलाना नॉर्मल बड़े मोटर होम के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा आसान। अब दो स्पॉट वर्टिकल में तो लेने थे तो हमने थोड़ा ऐसे खड़ा कर दिया कि आगे पीछे दोनों जगह जगह बन जाए। सरकार बच्चों के लिए यहाँ पे फाउंटेन वगैरह बनाती है, आके खेल सकते हैं। और ये बीच जो आपको दिख रही है ना ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये लेक है समुद्र तो है नहीं, तो जिनको बीच की फील लेनी है वो बीच की फील ले सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे कहते हैं ना लैंडिंग डॉक्स वगैरह बने हुए हैं। ये वो जगह है कि अगर आपने अपनी बोट रेंट पे अगर आप लेके आए हैं उतारनी है तो ये अनलोडिंग रैंप है, रैंप से पिकअप ट्रक नीचे लेके जाने का, वहाँ पे बोट उतारने की और उसके बाद अपना आगे घूम फिर के वापस यहीं से चढ़ा देना। लो जी ले गया भाई फर्स्ट क्लास। रैंप जो है उसका नीचे है, अभी ट्रक घसीटेगा बाहर तो रैंप से निकाल लेगा डॉली बाहर।
और ये जिनकी रेस्क्यू बोट लगी हुई है। बाकी जी छोटा सा शहर है, आबादी कोई 8000 के आसपास है। अपना जो है लेक के किनारे लोगों के लिए बाइकिंग के लिए रनिंग के लिए जो है जगहें बना रखी हैं। ये बड़ा टिपिकल होता है कनेडियन और नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़ में कि जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो टूरिज़म के लिए, लोकल पब्लिक के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल हो जाती है और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टिमुलेशन के अंदर ना काफ़ी हेल्प करती है इवन इन द लोएस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी कल ही मेरे को किसी लविंग सब्सक्राइबर ने मैसेज करके ये बोला कि कई बार आप चीज़ें जो है ना रिपीट कर देते हो, मगर कई वो इतनी सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट होती हैं और कई लोग नए भी वीडियोस वॉच करनी शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बता देनी चाहिए। ये उनमें से एक है कि ऐसा नहीं है कि अपने आप ही यहाँ पर ये उग रहे हैं या मेनटेन्ड है, एक बार गमला ला के लगा दिया और ये चालू हैं। इनमें सिटी के गार्डनर आके हर दिन होज से पानी डालते हैं, इनका रख रखाव करते हैं, तो ये जो है ना इतना ब्यूटी मेनटेन रहती है और ये सिटी की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेनटेन करना। अभी हम आए हैं फॉरेस्ट सिटी से सर, कोई आधा घंटा दूर हार्डली, 20 मिनट्स। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे रेंट क्या है? $2,250 और अगर परचेज करना हो तो 1.2-1.6 मिलियन। सीधा 5-6 गुना ज्यादा क्योंकि फिर टूरिस्ट सिटी है शायद इसीलिए। ओके, और लेक भी है साथ में। ये देखो ये बोट ट्रेलर वाला आया है, ये वापस अंदर जाएगा, इस ट्रेलर पे बोट डालेगा और निकल जाएगा। ये सामने छोटा सा डाउनटाउन है। मेन स्ट्रीट ये जो है ना सेंट्रल स्ट्रीट होती है बेसिकली हर शहर की। आप डाउनटाउन छोटा सा जो है आप इसका देख सकते हो, ऐसा शहर है ये। और यहाँ पे सर कोई वॉलमार्ट वॉलमार्ट नहीं है? वॉलमार्ट यहाँ से 15 मिनट दूर है, बाहर निकल के होते हैं सिटी से। ये जो टूरिस्टी सेंटर है मेन हब हो गया ओल्ड टाउन। अच्छा ये घर है क्या? 1.2 मिलियन वाले हैं, अपना बोट लोडिंग रैंप भी है इनका। वाह जी वाह। ऑब्वियसली अगेन क्योंकि लेक के साथ बने हुए हैं, छोटी सी टूरिस्ट सिटी के अंदर भी हैं, तो वैल्यू तो होनी है इनकी भैया, $1,25,000 मानना पड़ेगा। अब जी नियरेस्ट वॉलमार्ट मेजोन सिटी जो यहाँ से थोड़ी सी 15 मिनट और आगे है उसमें, बस वहाँ पहुँचे हैं। हम थोड़ा सा ना रफ भी चला रहे हैं कि अब जाके चेक करें कि भैया कुछ लीकेज वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि स्मेल की प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से 95% तक तो रिजॉल्व, स्मेल तो आ नहीं रही, इसका मतलब लीकेज नहीं हो रही है, अंदर बाहर हो रही है। ये तो चालू नहीं हुआ है। सीढ़ियाँ तो चल नहीं रही, ये तो पक्का ही फेल है, ये तो फेल ही है। बाकी ये देख लो आप, ये मैं कह रहा था ना जितना मर्जी आप बंद कर लो जो कर लो पानी लीक होता है, तो ये तो फॉसेट में उसको बोलूंगा कुछ भी करो इसको भरो। आप देखिए अंदर क्या सीन है, यहाँ तो कोई लीकेज नहीं, एकदम सूखा है और हाँ पानी होल्ड कर रहा है अंदर। चलो भाई ने कम से कम एक चीज पे तो ढंग से काम किया है। थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग भी हो गई जी, खुली पड़ी अलग ही सीन है, मूड पे चलती है। दैट मेक सेंस मोहित भाई, ये क्या हुआ आपका चेसी स्लीप मोड पे नहीं गया था? अच्छा व्हेन वी पार्क वी रिमूव दैट की, तो आपका पूरा चेसी जो है ना स्लीप मोड में जाके उसने डिटेक्ट किया और उसने रीसेट हुआ जो हम लोग सुबह ट्राई कर रहे थे। अच्छा तो चेसी स्लीप मोड में थी, अंदर भी हम रहते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाता है मोटर होम, क्योंकि कार तो है नहीं, इसको क्या पता हम अंदर ही है और गए नहीं है, स्लीप मोड में चला जाता है। यहाँ पर थोड़ा तेल का रेट सस्ता और अपनी वैसे रिजर्व की लाइट जल गई है तो मैंने सोचा थोड़ा सा जो है ना तेल ही भरवा लेते हैं। अभी तो देखा ये बायोडीजल है, बायोडीजल नहीं बनाना, ये जो सब्जियों से बनाते हैं वो वाला ना, वेजिटेबल ऑयल से बनता है एक्चुअली बायोडीजल। अब ये बायोडीजल ना सब्जियों का पता नहीं क्या, वेजिटेबल ऑयल कोई भगवान जाने ऑर्गेनिक चीजें मिला के बनता है, विच इज आई थिंक नॉट एज रिफाइंड, तो स्प्रिंटर में तो मैं अवॉइड ही करूंगा डालना। और यहाँ पे एक और आता है पेट्रोल E85, जिसके अंदर जो एथेनॉल कंटेंट होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्योर गैसोलीन के मुकाबले, तो वो भी थोड़ा सस्ता होता है। वो कहते हैं छोटे सीसी वाली गाड़ी में स्नोमोबाइल वगैरह इसमें उसमें डाल लो ठीक है, मगर बड़ी गाड़ियों में नहीं डालना चाहिए, सस्ता पेट्रोल होता है थोड़ा। क्या लिखा हुआ है? 5% बायोडीजल अलाउड। अच्छा 5% अदर मैक्सिमम, तो हम लोग ने लास्ट पंप पे देखा था ना उसमें लिखा था कि 10% बायोडीजल था। ओके अब ये तो रेगुलर है और ये डेफ है, डीएफ आपका जो आप ले थे ना वो आप यहाँ से भी कर सकते, तो ये सस्ता होता है मेरे ख्याल से थोड़ा सा। ऑप्शन है प्रीमियम डीजल भी है और नॉर्मल भी रेगुलर डालते हैं, तो ये प्रीमियम के लिए है और ये नॉर्मल रेगुलर डीजल ठीक है। अभी ट्रक वाली मोटी नली है ना तो इसलिए फटाफट भर रहा है एकदम, बहुत जल्दी भर गया, कार वाले बहुत स्लो भरता है।
वाकई सोचने वाली बात यह कि सीट पे बैठता कैसे होगा, सीढ़ियां लगाई होंगी ट्रक की तरह, हमारे हमसे ऊंची हाइट पे बैठा है अभी इस टाइम। भाई जी यहाँ तो रौनक मेला इतना लग गया जब से मैं वापस आया हूँ, देख लो पूरा का पूरा भर गया। यानी कल तो बहुत बिजी होगी इसकी सर्विस, वो तो मैं फ्राइडे आया तो खाली थी। अच्छा हम गाड़ी खड़ी करके सिर्फ दो स्लॉट बचे हैं, अभी ये हटाएंगे, मैं अपनी गाड़ी बैक करता हूँ, स्टारलिंक वगैरह कनेक्ट करता हूँ। अब जी यहाँ पे जिस पे खड़ा ना तो सर्फेस जो ना ज्यादा अनइवन नहीं है, तो इसलिए इस बार ना ऑटो लेवलिंग ट्राई करते हैं कि ऑटो पे देखते हैं मारता है कि नहीं मारता। उधर वाला जा रहा है अभी एडजस्ट करेगा, हो गया गुड। ये प्रॉब्लम होती है, अब इसको तो पता ही ना कि हम गाड़ी से निकल गए हैं क्योंकि चाबी तो अंदर ही है अभी भी, तो ये स्लीप मोड पे जाता नहीं है फिर, जिसकी वजह से इसको कई बार लगता है कि इंजन अभी भी ऑन है तो बैटरी बाहर नहीं आती, बट फिलहाल ठीक है अभी तो हम यही पार्क कर रहे हैं। तो हो गई, अब बस मैं बाइक उठा लूं। बाकी थैंक यू सो वेरी मच सर जी, बहुत आपने हेल्प करी, मजा आ गया। और आपने क्या शेयर दिखाया जाए, $1 में जमीन मिलती है। बाकी जो वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करते जाएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।